आगे लाओ। दिसंबर 2021 को देवनगर के श्यामनगर इलाके में एक घटना हुई थी, जिसमें कुछ अज्ञात महिलाएं थीं जो काम वाली बन के किसी बंगले में गए, जिन्होंने ये कहा कि हम आपका घरेलू कार्य जो है वो करते हैं, अलग अलग घरों में जाके करते हैं, और आप एक दो दिन हमारे से काम करा के देख लें, हमारा काम बरत लें, उसके बाद हमें नौकरी पर रख लेना। उसी से करीब एक हफ्ता पहले इसी तरीका वारदात की एक घटना शास्त्री नगर क्षेत्र में भी हुई थी, जिसमें दो अज्ञात महिलाएं, अलग महिलाएं थीं जो, वो किसी बंगले में गई थीं काम मांगने के एवज में, ट्रायल के रूप में वहां रुकी, और दोनों ने ही बंगलों में जेवरात, नकदी और अन्य सामान जो है वो चोरी करके वहां से फरार हो गए थे। क्योंकि दोनों ही घटना एक तरीका वारदात की थी, इसलिए ये भारी संभावना थी कि कोई एक गैंग है जो बाहर से आई है, इस तरह की घटनाओं को जो अंजाम दे रही है और आगे भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकती है। एक विशेष टीम का गठन जिला पश्चिम में किया गया था, जिसमें देवनगर थाने की एक टीम और जो जिला पश्चिम है वहाँ की टेक्निकल टीम, उन्होंने मिलकर काम किया। प्रथम दृष्टया जो सूचना हमने संकलन की उससे ये पता लगा कि बिहार में भागलपुर ज़िले में कहलगांव एक कस्बा है, जिस पूरे कस्बे में इस तरह के क्रिमिनल जो हैं वो निवास करते हैं, जो पिछले कई सालों से, एक दशक से भी ज़्यादा से, इस तरह की वारदातें पूरे भारत में अंजाम देते हैं। टोली बना करके वो बड़े बड़े शहरों में जाते हैं, बिहार से रवाना होते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, ट्रेन से, बसों से। उस टोली में कोई एक लीडर रहता है जो सामान्यतः एक महिला होती है, साथ में एक या दो पुरुष जो उनके सहयोग के लिए आते हैं। ये जब किसी नए शहर में पहुंचते हैं तो वहाँ ट्रेन से उतर के, बस से उतर के, टैक्सी वालों से ऐसी जगह के बारे में पता करते हैं जहाँ रियायती दरों पर, सस्ते दरों पर कमरा मिल सकता है, जहाँ ज़्यादा KYC नहीं होता है, ज़्यादा कागज़ वागज़ की ज़रूरत नहीं होती, किराए पे कमरा लेते हैं, बिना कोई कागज़ दिए छोटी मोटी रकम एडवांस देके कमरा ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबे समय इनको रहना नहीं होता। वहाँ से फिर आसपास के जो पॉश इलाके हैं, जहाँ बड़े मकान हैं, बंगले हैं, उनमें ये काम मांगने की एवज में जाके और इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं। ये पता चलने के बाद कि भागलपुर की उक्त गैंग इन दोनों घटनाओं में शरीक हो सकती है, एक विशेष टीम को गोपनीय रूप से भागलपुर भेजा गया, जिन्होंने वहाँ कैंप किया और जो अपराधी हैं उनमें से कुछ को चिन्हित किया। परंतु उसके बाद जो चुनौती थी वो ये थी कि पूरा गैंग तितर बितर रहता है, एट अ टाइम ये भारत में किसी न किसी शहर में वारदातें करने के लिए ट्रैवल करते रहते लेके, और आज जब सफलता मिली है तब तक उस गैंग के एक जगह इकट्ठा होने का इंतज़ार किया। फाइनली इस टीम को तकनीकी मदद से ये सफलता मिली कि जो ये गैंग है ये जयपुर में, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट है, गलता गेट इलाके में किसी वारदात को अंजाम देने के बाद पूरी गैंग इकट्ठे होकर वापस भागलपुर में लूटी हुई सामग्री के लौटने वाली थी, जहां इनको रेलवे स्टेशन पर दस्तयाब कर लिया गया और पूरी गैंग हमारे कब्जे में आ गई है। जिसमें जो देवनगर वाली घटना है उसके चार मुलजिमान, जिनका नाम क्रमशः श्रीमती पूनम, श्री मंटू शाह, श्रवण कुमार और श्रीमती पूजा, चारों निवासी कहलगांव जिला भागलपुर, और शास्त्री नगर की घटना में श्रीमती कल्याणी और श्रीमती पुष्पा, ये भी दोनों निवासी कहलगांव भागलपुर, इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुछ सामग्री मिली है जो इन्होंने जयपुर में जो वारदात की थी वहाँ से चोरी होना प्रथम दृष्टया बताया है। हमारी वारदातों में जो बरामदगी है उसके लिए पुलिस रिमांड लेकर के नियमानुसार बरामदगी के लिए टीम भेजी जाएगी और रिकवरी होने की प्रबल संभावना है।